इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 270 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि वैशाली में है। आप देख सकते हैं एंट्री करते ही हमारा ड्राइंग रूम है। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज देख सकते हो, साइज काफ़ी बड़े साइज में ये ड्राइंग रूम है। 270 गज का ये फ्लोर है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट बना हुआ है, वैशाली के नियर है, वैशाली मेट्रो के बिल्कुल नियर है। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे वर्क हो रखा है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम हो रखा है इस डाइनिंग रूम में। यहाँ पे हमारा एलसीएम में सोफ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से विंडो है, तो यहाँ पे मिलता है स्पीड एसी का पॉइंट। और दोस्तों यहाँ सामने आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज में एलईडी पैनल बना हुआ है। तो ये हमारा एलईडी पैनल हो गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डाइनिंग टेबल के स्पेस की, तो चलते हैं हम डाइनिंग टेबल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाइनिंग टेबल का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टोरेज बने हुए हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इधर के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें स्पीड एसी का पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टोरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब चलते हैं हम, आपको दिखाता हूँ कॉमन वाशरूम। तो यहाँ से हमारा कॉमन वाशरूम है। बहुत ही शानदार काम है, बहुत प्यारा सा काम करा रखा है इसमें। ऊपर फुल सीलिंग का काम आप देख लो। तो ये हमारा कॉमन वाशरूम हो गया। देर ना करते हुए चलते हैं हम किचन की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको किचन। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आप देख सकते हो पूरी मॉड्यूलर किचन होने वाली है हमारी, जो कि बिल्कुल सेपरेट किचन है, काफ़ी बड़े साइज में ये हमारी किचन होने वाली है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चिमनी का पॉइंट है, काफ़ी स्टोरेज बने हुए हैं ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में भी आपको स्टोरेज काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें फ्रिज का पॉइंट मिल जाता है। तो फुल्ली मॉड्यूलर किचन होने वाली है दोस्तों।
तो किचन में कोई स्पेस किचन में स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली है, काफ़ी बड़े साइज में किचन है। तो वीडियो फ्लैट की विजिट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम आते हैं फिर ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा किचन से बाहर निकलते हैं यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको, ये हमारा डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है, वहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम हो जाता है। तो दोस्तों आप चलते हैं फटाफट, लेट ना करते हुए फ्लैट दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट है, जो कि फर्स्ट बेडरूम हमारा यहाँ से है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज में बेडरूम होने वाला है दोस्तों। ऊपर फॉल सीलिंग का काम देख लो, काफ़ी प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है इसमें। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी बड़े साइज में अलमारी बनी हुई है। तो इधर के साइड में आपको ड्रेसिंग का पॉइंट मिल जाता है, तो इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, जो कि इस बेडरूम में हमें एलईडी पैनल लगा हुआ मिल जाएगा। और बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे काम हो रखा है इस दीवार पे भी। चलते हैं हम वाशरूम की तरफ। इस बेडरूम से ये हमारा अटैच वाशरूम है, वाशरूम का साइज आप देख सकते हो काफी बड़े साइज में ये वाशरूम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पीछे से सॉफ्ट एरिया मिलता है, जो कि बालकनी के तौर पे हमें मिलता है पीछे जाल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वॉशिंग का पॉइंट मिल जाता है इस फ्लैट के अंदर, यहाँ हम वॉशिंग मशीन लगा लेंगे। चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ, फटाफट चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा बेडरूम स्टार्ट है, और बेडरूम का साइज आप देख लो, ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग हो रखा है इसमें। यहाँ पे हमें ड्रेसिंग का पॉइंट मिलता है इस बेडरूम में, और इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज में अलमारी बनी हुई है। यहाँ पे हमें मिलता है एलईडी पैनल, जो कि काफ़ी बड़े साइज में एलईडी पैनल भी है हमारा, पूरी के पूरी दीवार पे एलईडी पैनल बना हुआ है आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। साइज तो मैंने दिखाई दिया आपको, एक बार और आप साइज देख लो, क्योंकि बेडरूम का साइज है। तो इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पे वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम में एंट्री करते हैं, वॉशरूम का साइज देख सकते हो आप, बहुत ही बड़े साइज में वॉशरूम है ये।
इस बेडरूम से ये वॉशरूम अटैच है। और बात करते हैं हम इस बेडरूम से यहाँ पे, तो आपको वही जाल मिल जाती है जो मैंने अभी दिखाया पीछे के एरिया, जो कि पीछे सात एरिया है ये। यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं या स्टोर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फटाफट, और दो रूम हमारे मिलते हैं बालकनी से अटैच, जो कि फ्रंट साइड में। तो यहाँ से हमारा तीसरा बेडरूम स्टार्ट है। तीसरे बेडरूम में एंट्री करते ही आप दे सकते हो, ऊपर फॉल सीलिंग का काम देख लो, प्यारा सा फॉल सीलिंग है। इस बेडरूम में भी हमें अलमारी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़े साइज में अलमारी बनी हुई है। और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा एलईडी पैनल। यहाँ पे हमें ड्रेसिंग का पॉइंट मिलता है, और इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। ये वॉशरूम का साइज भी काफी अच्छे साइज में ये वॉशरूम है। बेडरूम के साइज की बात करते हैं तो आप एक बार साइज देख लो। इस बेडरूम से हमें अटैच बालकनी मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से हमारी बालकनी है। तो मैं दूसरे बेडरूम से आपको बालकनी दिखा दूंगा। तो चलते हैं और फटाफट हम चलते हैं चौथे बेडरूम की तरफ। तो आते हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में आने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है हमारा। यहाँ से हमारा चौथा बेडरूम स्टार्ट है। बेडरूम का साइज देख लो, ये भी बेडरूम काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम बना हुआ है। सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्रेसिंग का पॉइंट, ऊपर के साइड में फॉल सीलिंग आपको दिख रही होगी, जो कि काफ़ी प्यारी सी फॉल सीलिंग इसमें हो रखी है। यहाँ ड्रेसिंग का पॉइंट मिलता है इस दीवार पर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मिलती है अलमारी, तो चारों बेडरूम में हमें अलमारी मिल जाती है। तो स्टोरेज की कोई कमी होने वाली नहीं है इस फ्लैट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी पैनल मिल जाता है आपको। और यहाँ से हमें बाहर से बालकनी अटैच मिल जाती है। तो चलते हैं हम फटाफट और दिखाता हूँ मैं आपको बालकनी। तो आप बालकनी में एंट्री करते हैं और बालकनी देखते हैं। तो काफ़ी बड़े साइज में ये हमारी बालकनी होने वाली है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।